मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि वहाँ केरल सीएम का रिलीफ फंड एक वहाँ जारी हुआ है, आप तमाम लोग उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें। साथियों, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो पिछले दो दिनों में दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर अलग अलग विश्वविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों के बाहर जिन्होंने इस कायराना घटना का निंदा करते हुए अपनी आवाज बुलंद करी है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप लोग यहाँ मौजूद हैं इस प्रोटेस्ट में आने के लिए। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये प्रोटेस्ट कराया। लेकिन आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल में जो आपने हम लोगों के साथ किया है, आपने हमारे अंदर के खौफ को मार दिया है। यह आपका इस देश में सबसे बड़ा योगदान है। अब आप क्या क्या करेंगे? सब कुछ तो आपने कर लिया, जेल भी भेज दिया, फर्जी कैंपेन भी चला लिया, मीडिया ट्रायल भी कर लिया, भीड़ भी इकट्ठा कर दी मारने के लिए, गोली चलवाने की कोशिश भी कर दी और कई सारे लोगों को गोली से मार भी दिया। अब और क्या ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे अंदर के जो बैठा हुआ डर था, उस डर को पूरा खत्म कर दिया। और कितना डराएंगे, और डरने वालों की हमारी जमात नहीं है, अंग्रेजों से माफी मांगने वालों की हमारी जमात नहीं है। हमारी विरासत शहीद आजम भगत सिंह की है, हमारी विरासत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है, हमारी विरासत रोहित वेमुला की है, हमारी विरासत नरेंद्र धाबोलकर की है, प्रोफेसर कलबुर्गी की है, कॉम्रेड पंसारे की है, हमारी विरासत गौरी लंकेश की है। आपने एक रोहित को मारा था, पूरे देश में करोड़ों रोहित को आपने पैदा कर दिया है। आपने एक गौरी को मारा था, पूरे देश में आपने करोड़ों गौरियों को पैदा कर दिया है। आप मुझको भी मार दीजिए, लेकिन इस बात का आश्वासन रखिए, ये लड़ाई किसी एक इंसान को मार देने से ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई हम अंत तक लड़ेंगे, ये लड़ाई हमारे देश को बचाने की लड़ाई। साथियों, इंसिडेंट आप जानते हैं, इंसिडेंट को मैं रिकैपिचुलेट नहीं करूंगा। 3 दिन से रिकैपिचुलेट करते करते मैं भी थक गया हूं कि इंसिडेंट क्या हुआ था। लेकिन एक चीज जिससे बहुत लोग चौंके कि यह घटना दिल्ली के केंद्र में 15 अगस्त से पहले एक ऑलरेडी हाई सिक्योर जोन, जो 15 अगस्त से पहले और भी सिक्योर कर दी जाती है, दिन दहाड़े उस जगह हुआ। बहुत लोग चौंके, सही मानिए मैं नहीं चौंका। बहुत लोग चौंक रहे हैं, यहाँ की पूछ रहे हैं कि उन लोगों ने तो वीडियो भी रिलीज कर दिया है, तो इसकी तो कितना ज्यादा चौंकने वाली बात है। जो बात बोल रहे थे कि छोटी छोटी चीजें लोग छुपाते थे, आज सामने आके बोल रहे हैं कि हम कत्ल करने गए थे। चौंकने की बात नहीं है, इस सरकार ने किलिंग का एक इंसेंटिव रखा है। अगर आप किसी को मारेंगे, अगर आपको अदालत भी काबिल सिद्ध कर देगी, उसके बाद भी केंद्र मिनिस्टर जाके उनको माला चढ़ाएंगे। सरकार ने यह बता दिया है, इस बेरोजगारी के दौर में जब रोजगार नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी अल्पसंख्यक समुदाय के इंसान का कत्ल कर दिया है, तो अखलाक के कातिलों को उन लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन लोगों को अगर उनकी मौत हो जाती है, तो उन लोगों को तिरंगे में निपटा के देश के शहीद बताया जाएगा। एक साहब थे कुछ दिनों पहले भाजपा के लीडर, बोला था कि इंटेलेक्चुअल्स को मैं मार दूंगा अगर मैं होम मिनिस्टर बनूंगा। तो ये जो पूरा माहौल पैदा किया गया है, किसको डर लगेगा कि आप आएंगे बीच में आके मारेंगे और उसके बाद आप इस बात को जारी करेंगे। जिन लोगों ने मेरा कत्ल करने की कोशिश करी, मैं उन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, आज भी मुझे आपके प्रति निजी तौर पे इतनी सी भी घृणा नहीं है, इतनी सी भी नफरत नहीं है, इतनी सी भी घृणा नहीं है। मुझे आप पर तरस आता है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सरकार जो सही मायने में आपको भी परेशान करी हुई है, आपके परिवारों को भी परेशान करी हुई है, आपका इस्तेमाल कुछ और लोग कर रहे हैं और फायदा कुछ और लोगों को हो रहा है। मैं उन लोगों का पूरा सोशल मीडिया देखा, आज से पहले मुझे पता नहीं था ये कौन लोग हैं, और मैंने हर मीडिया चैनल को यही बोला कि मुझे पता नहीं ये कौन लोग हैं जो मुझे मारने आए थे। लेकिन एक चीज आज पता चल गया है कि कौन लोग हैं।
लेकिन एक चीज अगर पता नहीं भी चलता तो हमको एक चीज पूरी की पूरी तौर पे पता है, अगर कल को भी मुझे फिर से कुछ हो जाता है तो मैं यहां पूरी जिम्मेदारी लेके आप तमाम लोगों को बोल रहा हूं, जो इंसान भाड़े पे रखा गया होगा मुझे मारने के लिए या किसी को भी मारने के लिए, सिर्फ उसको दोष मत दीजिएगा, दोष उन लोगों को भी दीजिएगा जो पिछले 2.5 साल में झूठ फरेब की बुनियाद पे पिछले 2.5 साल में मेरे खिलाफ एक कैंपेन चलाया है, मुझको देश का दुश्मन बताया है, उन तमाम लोगों को, उन तमाम प्रवक्ताओं को, उन तमाम न्यूज चैनलों को, उन तमाम न्यूज चैनल के एंकरों को, अगर कल को मुझको कुछ होता है तो मेरा खून उनके हाथों भी होगा। जब उमर तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, उमर तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। जब मीडिया में आके एक प्रवक्ता खुलेआम ये बात बोलता है कि हम उमर खालिद के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जब मीडिया में आके एक न्यूज एंकर ये बोलता है हमें इन जैसे लोगों को कुचल देना चाहिए, यही वो माहौल है जिसके चलते ऐसी घटनाएं पॉसिबल होती हैं। अब तमाम लोग याद रखिए, ये एक पैटर्न है, गौरी लंकेश की हत्या से पहले 1 साल तक गौरी लंकेश के खिलाफ एक कैंपेन चलाया था, ये हिंदू धर्म का विरोध करती है, उसी तरीके से 2.5 साल से मेरे खिलाफ कैंपेन चलाया है कि मैं देश की सुरक्षा के लिए खतरा हूं, मैं देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हूं। मैं उन तमाम लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं, आप किस बुनियाद पे ये टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, किस आधार पे आप ये बोलते हैं कि भारत के टुकड़े के नारे मैंने लगाए? मैं यहाँ सीना तान के बोलता हूँ वो नारे मैंने नहीं लगाए हैं, पिछले 2.5 साल में पुलिस इस बात को साक्षी तक दर्ज नहीं कर पाई है, पुलिस के पास कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए दलील के तौर पे जो आप टीवी में बोलते हैं वो सच भी है, अगर दलील के तौर पे मान लें तो ऐसा क्यों है कि आज तक आपने इस बात पे अपना आउटरेज नहीं जताया कि चार्जशीट दर्ज क्यों नहीं हो रही? या तो आप कोर्ट की प्रक्रिया में विश्वास ही नहीं करते, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात आप भी जानते हैं कि अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो इसमें कुछ निकल के नहीं आएगा। आज 4 साल बाद जब इस सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो अपनी गोदी मीडिया को, अपने भोपू चैनलों को हम तमाम लोगों के पीछे छोड़ा है, आपसे भी नहीं डरते हैं और जरूरत आएगी तो आपको भी हम कोर्ट लेके जाएंगे। साथियों, जब मैं इन तमाम लोगों का पूरा प्रोफाइल देख रहा था, टाइमलाइन देख रहा था, तो ऐसा ही लग रहा था जो मीडिया का स्क्रिप्ट होता है, जो रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन आके बोलते हैं, वही पूरा स्क्रिप्ट इनके पूरे टाइमलाइन में मुझे मिला। एक चीज यहाँ के प्रवक्ता, यहाँ की रूलिंग पार्टी बोलती है, जो मुझे उस टाइमलाइन में भी मिली, ये हिंदू खतरे में है। और नरेंद्र मोदी साहब, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आपसे मैं 100% अग्री करता हूं कि इस देश के हिंदू खतरे में है, और वो खतरे का नाम है आप, वो खतरे का नाम है आरएसएस, वो खतरे का नाम है बीजेपी। इस देश को खतरा है बेरोजगारी का, इस देश को खतरा है जब इस देश के किसान आत्महत्या करते हैं, इस देश को खतरा है जब इस देश में महंगाई होती है, इस देश को खतरा है जब इस देश में काला धन वापस नहीं आता और इस देश का धन कुछ पूंजीपति उठा के बाहर भाग लेते हैं, और उस तमाम खतरे के लिए मैं या कोई और जेएनयू का स्टूडेंट जिम्मेदार नहीं है, उस खतरे के लिए मैं या कोई और आवाज उठाने वाला जिम्मेदार नहीं है, मैं वो पैसे लेके नहीं भागा। अगर कोई बेरोजगार है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अगर इस देश में महंगाई है तो उमर खालिद उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और जो लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, जो सही मायने में देश के लिए खतरा है, जो सही मायने में देश को बर्बाद कर रहे हैं और देश को धर्म और जाति के टुकड़े टुकड़े में बांट दे रहे हैं, वो नहीं चाहते कि ये सारे सवाल आप उनसे पूछें, वो नहीं चाहते कि उंगलियां उनकी तरफ उठें, इसलिए वो हमको अलग अलग तरीके से बांट रहे हैं। इस बंटवारे को नहीं मानना है। ये बात मैं उन लोगों को भी बोल रहा हूँ जो मुझे गोली मारने आए थे, आप इस नफरत की राजनीति को छोड़िए, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ बुरा हो, आपने कुछ काम किया है कानून अपनी तरफ से काम करेगा, निजी तौर पे
मैं आपके लिए कोई बुरा नहीं चाहता। निजी तौर पे मेरे लिए आपके लिए कोई नफरत नहीं है। आज यह हमला होने के बाद भी एक तरफ मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो ये घटना होने के बाद इस बात का दुख जता रहे थे तो उमर खालिद को मार क्यों नहीं दिया गया। शेम, ऐसे शेम। लोग हैं, इतनी नफरत उनके अंदर है, खुलेआम आके बोल रहे हैं कि हम शर्मिंदा है कि उमर खालिद अभी भी जिंदा है। और ये वही लोग हैं जब गौरी लंकेश मरी थी, सॉरी फॉर रिपीटिंग इट, उनको कुतिया बोला था। शेम, शेम। और उनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। ये बात बहुत चौंकने की नहीं है जो मैं लैंग्वेज यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। ये बात बहुत चौंकने की नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ट्रोल ने बोला था जिनको प्रधानमंत्री एक्सीडेंटली फॉलो करते हैं। यही उनकी भाषा है। आपको याद होगा कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी साहब से एक सवाल पूछा गया था कि 2002 में जो दंगों में मुसलमान मारे गए, क्या आपको उस बात का दुख है? उन्होंने बोला था कि अगर एक कुत्ते का पिल्ला भी आपके सामने मर जाए तो दुख तो होता ही है। तो ये कुत्ता कुतिया, ये इनकी पूरी पार्टी की मानसिकता को दिखाता है। लेकिन एक चीज मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, कई बारी ये भाषा हम भी बोलने लगते हैं कि संगी कुत्तो मुर्दाबाद, संगी कुत्तो गो बैक। मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ इस भाषा का, और खास तौर से उन्हें कुत्ता मत बोलिए। कुत्ता एक बहुत वफादार जानवर होता है, मालिक से वफा करता है। इन्होंने आज तक किसी से वफा नहीं करी। जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। बोलवालकर साहब जो नरेंद्र मोदी इनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं, वो बोलते थे अंग्रेजों से मत लड़ो, हमारे दुश्मन अंग्रेज नहीं है, हमारे दुश्मन मुसलमान है, ईसाई है, और हमारे दुश्मन वामपंथी है। अरे बोलवालकर के विरासत को आगे ले जाने वालों, जब उस समय तुम अशफाकुल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल को नहीं बांट पाए तो आज हमको धर्म और जाति के नाम पे आज भी नहीं करने आए। और एक बात आप जान लीजिए, आने वाले दिनों में
इस दर्द को हम देश के हर कोने में जाके बयान करेंगे, देश के हर नागरिक को बताएंगे। एक बात आप जान लीजिए, जो हम सवाल पूछते हैं वो सवाल हम पूछना जारी रखेंगे। हम आपको बता दें, आने वाले दिनों में वो 150 परिवार, वो 150 लोग, उनके परिवार जो नोटबंदी में मरे हैं, हम उनके परिवार वालों से भी मिलकर आएंगे। हम आपको एक बात बता दें, हम ये सवाल पूछना जारी रखेंगे। आप गुंडे भेजिए, आप भीड़ भेजिए, आप कुछ भी बोलिए, आप कुछ भी करिए, सवाल तो नरेंद्र मोदी साहब से पूछे जाएंगे। सवाल पूछे जाएंगे कि पिछले 4 साल का जो कार्यकाल है, कभी कभी मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। वो ये भूल जाते हैं कि अब वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। और सवाल अगर पूछे जाएंगे तो 70 साल में पहले क्या हुआ उसके साथ साथ 4 साल में इन्होंने क्या किया है उसके भी पूछे जाएंगे। 4 साल में पूछा जाएगा, जो 4 साल के अंदर आपने 2 करोड़ रोजगार की वादा किया था, उस रोजगार का क्या हुआ? आज एक बोलते हैं, जब पूछा जाता है तो बोलते हैं पकौड़ा बेचिए, कुछ दिनों बाद बोलते हैं जॉब्स हैं, रोजगार है, रोजगार का डेटा नहीं है। एक मंत्री आके बोलते हैं कि आरक्षण मत मांगो, नौकरियां ही कहाँ हैं। ये सवाल तो नरेंद्र मोदी साहब आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल पूछा जाएगा जो आप बात करते थे स्विस बैंक की, और स्विस बैंक में काला धन चला गया, उस स्विस बैंक में काला धन बढ़ गया, ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल पूछा जाएगा, आप लोग सोचिए, बड़े बड़े बैनर लगाए थे जो यहाँ 2014 में बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार हर साल जब 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अन्नदाता जिसका उगाया हुआ हम खाते हैं, और नरेंद्र मोदी सरकार के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। ये बात तो हम नरेंद्र मोदी साहब से पूछेंगे, वो जो किसानों से वादा किया था उस वादे का क्या हुआ? ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा जो हर एक विश्वविद्यालय पर आप हमला कर रहे हैं, जो आप स्वास्थ्य से पैसे की कटौती कर रहे हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा जो नोटबंदी से पहले बोला था कि काला धन वापस आएगा और नोटबंदी करने से आतंकवाद भी खत्म होगा। जब RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि सारा धन वापस आ गया, तो कौन से काले धन की आप बात कर रहे थे? और नोटबंदी में जो 150 लोग मारे गए, पूरे देश को जो झेलना पड़ा, उसका जवाबदेही कौन लेगा? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो आप हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में बात करते हैं, एक बार नोटबंदी लेकर आते हैं, किसानों की मजदूरों की कमर तोड़ देते हैं, छोटे कारोबारों की कमर तोड़ देते हैं, GST लेकर आते हैं और कमर तोड़ देते हैं, और उसके बाद आप लेकर आते हैं फिनेंस बिल। कॉर्पोरेट घराने जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देंगे, उसको आपको और मुझको जानने का कोई अधिकार नहीं है। कानून लाया गया।